बच्चे गिरते रहे। नहीं, मैं आराम से पढ़ूंगा आज। मैं जब भी जनाबे ज़ैनब के बेटों के मसाइल पढ़ता हूँ ना, मेरी अपनी कैफियत बदल जाती है। आज यकीन माने कैफियत बदली हुई है। न जाने किस किस माँ की गोद उजड़ी। सुनेंगे, जब बच्चा माँ की गोद से गिरता था ना, तो बाज़ औक़ात उसी माँ की आंखों के सामने पिछले ऊंटों के पाँव के नीचे आ जाता। रिवायत में है, अगर आप देखें ना, जिस रास्ते से वो लोग लेके गए थे, करबला से कूफा गए, कूफा से फिर दमिश्क जाना था उन्हें, उस रास्ते से अगर आप जाएं ना, जिस रास्ते से बीबियों को लेके गए थे, उस पूरे रास्ते में आपको बच्चों की कब्रें मिलेंगी, बच्चों की भी बच्चियों की भी कब्रें मिलेंगी। और हर कब्र पे एक ही जुमला लिखा है, अगर लड़का है तो लिखा है हाजा इब्नुल हुसैन, ये हुसैन के बेटे की कब्र है। और अगर बच्ची है तो कब्र पे लिखा हाज ही बिनतुल हुसैन, ये हुसैन की बेटी की कब्र है। इमाम हुसैन के इतने बेटे बेटियां नहीं थे, तो फिर ये हर कब्र पे क्यों लिखा है, 10 15 20 से ज़्यादा कब्रों पे क्यों लिखा है ये हुसैन के बेटे बेटियां। तो उलमा कहते हैं जब लोग आके पूछते थे ना, अरे ये किस बच्चे का लाशा मिला है, तो कहते हैं अभी अभी हुसैन के असीरों का काफिला गया, हो ना हो ये बच्चा हुसैन का बच्चा। वो दफनाते और कब्र पे नाम लिख देते ये हुसैन का बच्चा है। बस भाई, मैं और सख्त जुमले नहीं कहूंगा, कोई रोने में बुखल ना करे। ऐजाने गिरामी, तो औलाद वाले समझ सकते हैं कि माओं के कलेजों पे क्या गुजरी होगी। माँ से ज्यादा कोई नहीं चाह सकता। शब आशूर हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही थी। एक माँ कह रही थी अली अकबर, परदेश में मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। कोई माँ कह रही थी कासिम, आपके बाबा ने वसीयत की थी कि करबला कासिम को जरूर भेजिएगा। एक माँ कह रही थी अली असगर, कल तमाम जवान खुद चल के जाएंगे, बेटा मेरी गोद की लाज रख लीजिएगा, मेरे दूध की लाज रख लीजिएगा। सैयद शहदा हर खेमे के बाहर से गुजर रहे हैं, यहां तक के रिवायत में है एक बीबी ने कहा परवरदिगारा मेरे यहां औलाद नहीं है, औलाद होती तो मैं अपने बेटे को भी भेजती। इससे पहले कि इमाम हुसैन खेमे में आते, मौला ने देखा जनाबे अब्बास आ गए और जनाबे उम्मे कुलसूम से कहने लगे, कहा बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी दूं। एक खेमे के बाहर आए इमाम हुसैन गुजर रहे हैं, उस खेमे से आवाज आ रही थी। एक माँ, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर करें, एक माँ उसके दो बेटे हैं, बेटों के बालों में हाथ डाल के सवार रही हैं, हाथों से बाल सवार के एक ही जुमला कहती हूं, मेरे शेरो तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, मेरे शेरो तुम्हारी रगों में बड़े बड़े दलेरों का खून है। ऐ मेरे बच्चों, जनाबे ज़ैनब कुबरा कह रही हैं ओनो मोहम्मद से, ऐ मेरे बच्चों मैं जानती हूं तुम्हारे दादा तुम्हारे नाना दोनों बहुत शुजा थे, शेर थे, मैं जानती हूं जब तुम हमला करोगे ना तो तुम हमला करने के बाद फरात तक पहुंच जाओगे, लेकिन मेरे बच्चों मेरी वसीयत याद रखना, अगर फरात तक पहुंचो पहुंच जाना लेकिन पानी ना पीना। मेरे बच्चों मामू के बच्चे बड़े प्यासे हैं, मुझे नहीं मालूम ज्यादा इशारा किसकी तरफ है, जनाबे अली असगर की तरफ है या फिर 3.5 बरस की। अजरकुमल्ला, बस इसी तरह से बुलंद आवाज से रोते रहेंगे। आज जनाबे ज़ैनब को पुरसा देना, जानते हैं बीबी का लकब क्या, उम्मुल मसाइब।
रात में जनाबे ज़ैनबे कुबरा ने बेटों को तैयार किया, सुबह नमोदार हुई, कहा ओनो मोहम्मद मेरे बेटों अभी तक गए नहीं जिहाद के लिए। कहा अम्मा मामू इजाजत नहीं देते, बार बार कहते हैं तुम मेरी बहन की निशानी हो। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब ने कहा जरा जाओ जाके मेरे भाई अब्बास को बुला लाओ। जनाबे ज़ैनब ने कहा अब्बास हुसैन से कहो मेरे बेटों को इजाजत दें। जनाब अब्बास ने कहा कि मौला बीबी कह रही मेरे बेटों को इजाजत दें। आए जनाब सैयदुश्शहदा उस खैमे में जहां जनाब ज़ैनब थी, कहा कि बहन मैं इजाजत तो दे दूं, अब्दुल्ला इनके वालिद राजी हो ना राजी हो। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि हुसैन मैंने अब्दुल्ला से पूछा था, उन्होंने खुद कहा ज़ैनब अगर जंग की नौबत आए तो हमारे बेटों को पहले भेजिएगा, ऐसा ना हो अली अकबर पहले शहीद हो जाओ। रोक के यहां पे एक जुमला कहूंगा मैं, भाई मैं मसाइब पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा आज, मैं बड़े सख्त जुमले कहने वाला हूं, मुझे माफ कर दीजिए। सोगना वाले मोहम्मद में एक रिवायत है कि जब जनाबे ज़ैनब मदीने वापस चली गई ना, तो जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने आपके शौहर ने सवाल किया, का ज़ैनब मुझे लोगों ने बताया है कि जब हमारे बेटों के लाशें आए तो आपने गिरिया नहीं किया था। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा ए अब्दुल्ला आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने औने मोहम्मद के लाशों पे गिरिया नहीं किया था। जनाब अब्दुल्ला ने पूछा ज़ैनब क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्यों गिरिया नहीं किया। जनाब ज़ैनब ने रो के कहा अब्दुल्ला मुझे भाई से हया आती थी, मेरा भाई ये ना सोचे मेरी बहन के दोनों बेटे मारे गए। अजरा को मल्ला बस भाई, जनाब सैयद शहदा ने दोनों शहजादों को इजाजत दी, दोनों जनाब ओन मोहम्मद चले, एक बेटे को जनाब सैयद शहदा ने बाजू पकड़ के सवार कराया घोड़े पे, दूसरे को जनाब अब्बास ने सवार कराया। दोनों ने हमला किया, एक ने मैमने पे दूसरे ने मैसरे पे हमला किया। एक ने दूसरे को आवाज दी का भाई हमला करके कलबे लश्कर पे मिलते हैं और मामू के दुश्मन उमर साद का कत्ल कर देते हैं। जब दोनों करीब आए ना कलब लश्कर पे, उमर साद ने कहा पूरी फौज से कहो हमला करें। जब सारी फौज आई ना तो अचानक किसी एक ने सर में गुर्ज मारा, दूसरे के तलवार लगी, दोनों बच्चे जमीन पे आ गए, दोनों ने आवाज दी मामू जान हमारी मदद को आई है। जनाब सैयदु शहदा बहुत तेजी से दोनों के लाशों पे पहुंचे तो मैंने रिवायत में देखा एक बच्चे में अभी रमक बाकी थी, दूसरे की शहादत हो चुकी थी। तो जब एक से जिसमें रमक बाकी थी ना, तो उन्होंने कहा मामू जान हमारी मां को हमारा सलाम कह दीजिएगा, कहिएगा अम्मा हम दोनों ने आपकी वसीयत पे अमल किया था, अम्मा हम फरात तक गए थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया था। अम्मा हमें आपकी वसीयत याद थी। अजरकुम अल्लाह, भाई मैं यहां तमाम कर देता लेकिन नहीं, मैं तमाम नहीं कर सकता। जनाब सैयदु शहदा ने दोनों लाशें उठाए, खेमों में वापस लेके आए, सब बीबियां आ गईं, लेकिन मौला ने देखा जनाब ज़ैनब कुबरा नहीं आई। वो बीबी जो हर लाशे पे पहले आती थी वो नहीं आई। मौला सैयदु शहदा ने कहा फिजा मेरी बहन से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाब ज़ैनब आई, आने के बाद दोनों बेटों के लाशों के दरमियान में बैठ गई, मेरे तरफ देखिएगा, दरमियान में बैठ के दोनों के सीनों पे हाथ रखे और एक जुमला कहा मेरे शेरों
मुझे बचाओ, मैं किसे कुर्बान करूं? मेरा भाई अकेला रह गया। बस भाई, तीन से चार मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा आशूरा खत्म हो गया, 11 मुहर्रम का दिन निकला, बीबियों को कैदी बनाया गया, ऊंटनियों पे सवार किया ले जाया जा रहा था। आपने देखा है ऊंटनी की पुश बुलंद होती है। जनाब ज़ैनब बेटों के लाशों पे नहीं गई थी, लेकिन जब जा रही थी ना कूफे, तो ऊंटनी की पुश से देखा दो लाशें पड़े हैं। जैसे ही लाशों पे निगाह पड़ी बीबी की, बीबी ने लाशें देखे, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके कहा आनो मोहम्मद, खुदा हाफिज। पकड़ेंगे। आनो मोहम्मद, खुदा हाफिज। भाई अभी मैंने पढ़ना, अभी तो मैं पढ़ूंगा, ऐसे रोएंगे तो कोई बेहोश हो जाएगा। सुने, सुन के रोइएगा। बस भाई, बीबी करबला से गई, बेटों को याद नहीं किया, कूफे चली गई, बेटों को याद नहीं किया। शाम पहुंची, शाम में बीबी को रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिली ना, तो कहा कि शहदा के सर वापस कर दो। सारी रिवायत को मैंने छोड़ दिया, शहदा के सर वापस कर दो। शहदा के सर आने लगे। पहला पहला जो सर आया, बड़ा नन्ना सा सर था, जनाबे रबाब ने कहा लाओ अली असर का सर, बुरके के दामन में लिया। नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं। मेरे तरफ देखिएगा, जनाबे रबाब ने जब बुरके के दामन में सर लिया ना जनाबे अली असर का, एक सवाल किया, एक सवाल किया, किससे? जनाबे अली असगर के सर से एक सवाल किया जनाबे रबाब ने। माँ ने क्या कहा? अली असगर, अब मिसलों का तुनहर, अली असगर क्या तुझ जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता? बेटा ऊंटों को नहर किया जाता। मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया, शहदा के सर आते रहे, बीबियां सर लेती रहीं। इतने में दो सर इकट्ठे आए, जो सरों को लेके आया था ना, जैसे ही वो सर लेके आया, बीबियों ने सर देखे, फिर जनाबे ज़ैनब को देखा, जनाबे ज़ैनब ने सर देके सर झुका लिया। आने वाले ने सवाल किया, इन दो सरों की वारिसा कौन है? कोई बीबी जवाब नहीं दे रही। उसने दूसरा सवाल किया, मुझे इतना बता दो, क्या इन दो सरों की वारिसा खेमों में जल के मर गई है? अब जनाबे फिजा से रहा ना गया, कहा ये दो सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाजादी के बेटे हैं। जनाबे फिजा आई जनाबे ज़ैनब के पास, कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लें। जनाबे ज़ैनब ने कहा फिजा, मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती। आखिरी जुमले सुन लें भाई। बीबिया शाम से करबला आई चेहलों पे, चेहलुम में 3 दिन रही, जनाबे ज़ैनब बेटों के कब्रों पे नहीं गई। जब करबला से चली ना मदीने के लिए, फिर बीबी ने एक मर्तबा बेटों की कब्रों को देख के कहा औनो मोहम्मद अलविदा। दिल दिल में कहा औनो मोहम्मद अलविदा, माँ जा रही है। बस भाई, सबसे पहले कहाँ गई? नाना के रोजे पे, लेकिन बेटों का तस्करा नहीं किया। फिर माँ की कब्र पे गई, भाई का गिला किया कि आपके नाना, आपके उम्मत ने मेरे भाई को मार दिया। बेटों का जिक्र नहीं किया, मां की कब्र पे जिक्र नहीं। फिर भाई के घर गई,
सबका पुरसा दिया, सबसे पुरसा लिया, बेटों का ना पुरसा दिया ना पुरसा लिया। बस भाई आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। अब वो दिन आया जब जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहो घर वापस आ जाए। मेरे तो देखिएगा आखिरी जुमला, वो बीबी जिन्होंने करबला में बेटों को याद नहीं किया, शाम में बेटों का जिक्र नहीं, नाना के रोजे पे, मां की कब्र पे कहीं बेटों का गिला नहीं, लेकिन आखिर मां थी, जैसे ही घर चली सर पे बुरका रखा, बीबी का कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा, पांव लरसने लगे, एक मर्तबा चली घर आई मेरी तरफ, जैसे ही घर आई दो जानमाजें बिछी थी, बीबी ने जानमाजें उठाई सीने से लगाई, कहा ओ नो मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मेरा भाई बेहोश हो गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। हाथ जोड़ के एक जुमला, सिर्फ एक जुमला कहूंगा, मेरी तरफ देखिएगा, हाथ बुलंद कीजिएगा। जनाबे ज़ैनब ने मुसल्ले उठा के सीने से लगाए, अभी बैठ के रो रही थी, इतने में जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आ गए। ना जाने जनाबे ज़ैनब को देख के क्यों नहीं पहचाने जनाबे अब्दुल्ला, क्योंकि बीबी मसाइब से गुजरे थी ना, तो जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा बीबी आप हमारे घर में क्यों आई हैं, मेरी जौजा घर में नहीं है, आप तशरीफ ले जाएं। जनाबे ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, क्या अब्दुल्ला पहचाना नहीं, अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूं। जनाबे अब्दुल्ला ने न जाने क्या देखा, जमीन पे गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए, एक जुमला कहा। जनाबे ज़ैनब ने पूछा अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हुई। जनाबे अब्दुल्ला ने कहा नहीं ज़ैनब, वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी कुर्बान हो जाता। जनाबे ज़ैनब ने पूछा अब्दुल्ला फिर क्या बात है, खड़े क्यों नहीं हो पा रहे, गिर क्यों जाते हैं। कहा ज़ैनब ये बताइए ये आपकी कलाइयों पे निशान कैसे है। जनाबे ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला हाथों में रस्सियां, शराबी का दरबार, कूफा शाम के बाजार।